बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन जी 11:30 हो रहे। तो अभी जा रहा हूँ टाउन, बैंक चौक जो हमारे घर के पास टाउन है वहाँ पर कज़न की दुकान पे। तो आज पैदल ही हूँ जी, बाइक जो है भाई लेके गए हुए किसी काम से। तो अभी चारों टाउन वाली साइड पे जाऊंगा, कब्रिस्तान के अंदर से शॉर्ट रास्ता जो है। तो इस टाइम हवा बड़ी प्यारी चल रही है और आगे पीछे जी गंदम की कटाई जोरों शोरों से, 1 से 2 दिन लगेंगे जी और तकरीबन गंदम का सफाया हो जाएगा। तो जाऊंगा जी कब्रिस्तान के अंदर से शॉर्ट रास्ता जो है। और इधर जी कब्रिस्तान के अंदर चंद दिन पहले बड़े प्यारे फूल निकले हुए थे, यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको। और इस तरफ भी आगे पिछले 1-2 दिन गर्मी काफ़ी पड़ी है, उसकी वजह से सूख गए हैं। या देखें अभी येलो कुछ खिले भी हैं, तो खैर दोबारा किसी दिन खिलेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें अभी सारे मुरझा गए, ये इस तरह भी लगे हुए। तो इस तरह से कब्रिस्तान से हमारे इंटर हूँ, मैं इधर से आया हूँ अभी मस्जिद वाली साइड से, इधर से आया हूँ, इधर से इंटर हूँ। और ये सीधा रास्ता जी सीधा निकलता है टाउन वाली साइड पे, शॉर्ट रास्ता है। वैसे आपको घूम के आना पड़ता है वो रोड से, और अच्छा हुआ उस तरफ से नहीं है, उस तरफ मिट्टी काफ़ी है जी, मिट्टी भी है, भूसा भी काफ़ी हो रहा है, गंदम कतरा ही जा रही है उस तरफ। और पिछले दिनों बारिश हुई ना, यहाँ पर कीचड़ बन जाता था इस रास्ते में, और यहाँ पर ये पत्थर लगा दिए इन्हें थोड़ा कीचड़ वगैरह, बारिश वगैरह भी तब भी चलना ईजी हो जाए। तो शुरू में जी हमारे तकरीबन आज से 3-4 साल पहले कह लें जो रास्ता था ना कब्रिस्तान का, वो ये स्कूल की दीवार नहीं थी, उस टाइम स्कूल छोटा सा था उस तरफ तक। तो इसी तरह रास्ता आ रहा था वहाँ से रोड से इसकी सीधा कब्रिस्तान के बाहर वाले साइड से, ये जो बाढ़ लगी है इसके बाहर से गुजरते हुए सीधा आप लोग टाउन में जा सकते थे। तो अभी आगे स्कूल की जो है स्कूल को बड़ा कर दिया थोड़ा, तो अभी घूम के आना पड़ता है जी। ये है जी हमारे गांव का कब्रिस्तान, और इधर कब्रिस्तान के साथ जी ट्राली लोड हो रही है गंदम की। तो अभी जी मैं तकरीबन टाउन पहुँच रहा हूँ, ये इस तरफ यहाँ से शुरू हो रहा है। और इस तरफ भी चेक करें जी, कतराई के लिए एक मशीन लगी हुई है और दूसरी आके अभी सेट हो रही है, और पीछे भी एक ट्रैक्टर मेरे ख्याल से लोड हो रहा है। खैर जी अभी 1 से 2 दिन और है जी तकरीबन साफ की कंदम जो है वो कतराई वगैरह हो जाएगी। तो अभी आया हूँ जी कज़न की दुकान पर, और वो दुकान पर नहीं है, गंदम इकट्ठी कर रहे हैं जी कहीं। तो अभी उसी तरफ जा रहा हूँ खेत वाली साइड पर। तो इस तरफ जी ये कतराई लगी है इस तरफ, और बाकी कुछ खेत पड़े हुए हैं गंदम, और उस तरफ ये हमारे खेत, उनकी भी गंदम इकट्ठी करनी है ने। और बाकी ये इस मेरे में तकरीबन जी गंदम का काम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और इस तरफ जी सामने मामू लोगों का गाँव है ये, और ये जो सामने घर नज़र आ रहे हैं ना आपको, इनकी बैक साइड पे जी हमारा गाँव है। और ये जो दीवार नजर आ रही है ना आपको, ये जी मेरी जाल की दीवार है, और इसकी दूसरी साइड पे जी हमारा दूसरा घर है नए वाला। तकरीबन जी इस वाले मेरे में, मेरा हम लोग बोलते हैं जी इस तरफ घर नहीं होते, इसमें सिर्फ खेत ही होते हैं। तो इस वाले मेरे में तकरीबन जी गंदम की कटाई तो कम्प्लीट है, लेकिन इकट्ठी करने वाली और कतराई वाली रह गई है। तो इधर जी कदन लगा हुआ था गाड़ी पे गठी कर रहे हैं, ये इधर कतराई हो गई किसी की, तो इनके गंदम लेके जा रहे हैं घर। टाइम तकरीबन जी दिन के 1 बज रहे हैं, और तो ये जी थ्रेशर अभी फ्री हो गई है और गाड़ी हम लोग लेके जी जा रहे हैं। टाइम तकरीबन जोर की नमाज़ का होने वाला है, तो अभी टाउन में जाके ना जोर की नमाज़ पढ़ेंगे।
ये इधर शादी हाल के पास से गुजर रहे जी अभी। ये कभी कोई फसल खड़ी है जी बीच में, ये और आगे एक खेत छोड़ के आगे एक खड़ी है और बाकी तकरीबन सारी कटाई हो गई है जी। तो अभी जी जोर की नमाज़ पढ़ी है इधर टाउन में बैंक चौक में, तो अभी जा रहा हूँ घर। तो अभी थोड़ी देर टाउन में ही था तो अभी जा रहा हूँ घर और ये वापस पहुँच गया जी कब्रिस्तान में, शॉर्टकट लेंगे यहाँ से। तो ये जी कल शाम को जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को गन्नों में कतराई जा रही थी हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं की खेत की, तो ये भूसा पड़ा हुआ जी उसका, ये जी इस तरफ, और ये ऊपर भी जी उन्हीं का ही है। ये बड़ी सी चोटी नज़र आ रही है आपको, ये भूसा पड़ा हुआ जी। ये इस तरफ जी दोस्त है हमारे, पड़ोसी भी है, कज़न भी है मेरा। तो ये जी इनका छोटा सा एक खेत रह गया था इस तरफ इकट्ठी करने वाला, तो साथ ना ये कतराई की मशीन लगी है बिल्कुल खेत के साथ और इनकी गंदम की तरफ मुँह हो गया, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जी इस टाइम, सारी धूल मट्टी गंदम के ऊपर पड़ी होती है फिर उठा के उसको डालना। तो ये देखे जी इस तरफ बिल्कुल इन्हीं की तरफ ना सारा भूसे की तरफ मुंह है ना, भूसा इन्हीं की तरफ जा रहा है सारा ये, और छोटा सा खेत है इसलिए मेरे ख्याल से रिक्शे पे ना लोड कर रहे हैं। और इन्होंने लेके भी ना करीब ही जाना, कोई तो दूर नहीं जाना, यहाँ से रिक्शा लोड करना है इधर से घुमा के, और ये जो घर है ना यहाँ पर बैक साइड पे। तो ये जी अभी हवा थोड़ी तेज़ हो गई है और भूसा जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर तरफ ही जा रहा है जी, कभी उधर तो कभी इधर। खैर जी अभी चलते हैं घर। तो जी कल वाला व्लॉग जो है मैं अभी एंड कर रहा हूँ, कल पूरा दिन कुछ खास करने को नहीं था, सिर्फ शाम को जो है, शाम को कह लें या रात को तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब ना चैचू लोगों की गंदम की कतराई थी एक, तो रात को वो की है। उस टाइम मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसकी वजह थी कि एक तो लाइट नहीं थी और उस टाइम बारिश भी बड़ी सख्त किस्म की आई हुई थी, तो लाइट कम थी और काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए व्लॉग नहीं बन सका। तो खैर जी इसलिए एंड भी इसी टाइम कर रहा हूँ मैं, मेरा प्लान था कि शाम को अगर लाइट वगैरह हुई शाम के टाइम अगर कतराई की तो छोटा सा व्लॉग बना लूँगा साथ, तो इसलिए व्लॉग लेट एंड कर रहा हूँ। तो खैर वीडियो करते हैं एंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और लास्ट में अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाके फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।